नहीं था ना? नहीं, आपका फोन तो ये प्रॉब्लम की बात हो गया पत्थर जैसा। ठीक है, अभी मैं जहाँ भी आपको पूछूँ कि यहाँ दर्द है क्या आपको पेट में, या यहाँ भारीपन लग रहा है, या चुभन है क्या, तो आप मेरे को बताएंगे। ठीक है जी? यस। क्यों? क्योंकि हम बारी बारी से एक एक पॉइंट को चेक करेंगे। पहले आपकी नाभि कहाँ है वो चेक करेंगे, आपको नली की प्रॉब्लम तो नहीं है वो चेक करेंगे, फिर कोई भी ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है जी? नाभि ये है जी आपकी, यही है, यही टिक टिक करती रहती है, महसूस हो रही है आपको भी, हाँ हो रही है ना? ठीक है, आप मेरे को ये बताएं, इधर कोई दर्द तो नहीं है या भारीपन तो नहीं है? नहीं है ना? इधर नहीं, इधर नहीं, इस साइड में कहीं भी दर्द वगैरह नहीं है, कोई भी भारीपन नहीं। अभी आप एग्जैक्टली ये बताओ, इधर नहीं, हाँ ये लो ना, जैसे चुभ रही है जैसे, लेकिन भारीपन लग रहा है आपको कि यहाँ ही कुछ हैवी है पेट, ऐसा ही है ना? इधर थोड़ा 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 लग रहा है। बेसिकली होता क्या है कि जब अपने को नाभि अपसेट हो जाती है ना, और ख़ास करके जब ऊपर की तरफ चढ़े, तो ये दोनों साइड खिंचने लग जाती हैं। ये दोनों साइड जो है ना, पेट लूज छोड़ो, लूज छोड़ो पेट, ये जो दोनों साइड है ये खिंचने लग जाती है, और खिंचने लगने के साथ साथ में क्या है, ये पूरा फिर स्टिफ हो जाता है। ठीक है, अकड़ जाता है, अकड़न आ जाती है, जिसको आप टाइटनेस बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि टाइट पेट टाइट रहता है मेरा। ठीक है, इसी की वजह से कई बार हमें मोशन के लिए ना 2-3 बारी लगातार जाना पड़ता है, फिर जाके पेट साफ होता है। और 2-3 बारी भी कैसे, पहले गए फिर बहुत टाइम लगा हमें, फिर भी पेट साफ नहीं हुआ, फिर दोबारा से गए, चाय वगैरह पानी वगैरह कुछ पिया, प्रेशर बनाया, फिर दोबारा से गए, ऐसा ही होता है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है ये नाभि अपसेट होने की वजह से होती है सर। जितने भी हमारे को सिम्टम्स दिखाई देते हैं, यानी लक्षण नज़र आते हैं ना, बहुत सारे लोगों में गैस बनती है, एसिडिटी है, भूख नहीं लगती जी, पेट में दर्द रहता है, पेट में चुभन रहती है, रात को नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं हमें पेट से ही स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो अभी जो नाभि है आपकी, उसको हम ज़रूर अभी सेट करेंगे, और उसको सेट करेंगे तो देखेंगे कि ये जो पेट है ना ये लूज़ हो गया। अभी मेरी किसकी हिरन है सर ये चढ़ी हुई है आपके ऊपर नाभि, चढ़ी हुई है खिसकी भी नहीं बोलेंगे, ऊपर चढ़ी हुई है, ये देखो ना, ये रही नाभि, आपको फील कर रही है प्रॉपर? आप सीधे हाथ की ऐसे सारी उंगलियां मिलाओ और यहाँ रखो जी, अब फील करो नाभि, हाँ सर बिल्कुल ठीक हो रही है हो रही है, परफेक्टली फील होगी, और यहाँ अगर रखेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ सर कुछ नहीं था नहीं काफी ऊपर चढ़ी है ना सर और ये ज़्यादा जो ऊपर चढ़ी है इसी की वजह से आपका पेट टाइट हो रहा है। ठीक है, तो नाभि की समस्या को कभी भी हमें हल्के में नहीं नहीं लेना लेना चाहिए, चाहिए बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। दोस्तों एक बार ये फिर दोबारा से हम लोग नाभि के बारे में बात करेंगे, कि अगर व्यक्ति की नाभि जो है वो अपसेट हो जाए, नाभि खिसक जाए, धड़न हट जाए, या आप जिसको नाप बोलते हैं, बहुत सारे लोग सुंडी बोलते हैं, बहुत सारे लोग पिछुटी बोलते हैं, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से उसको जानते हैं। आज अपने साथ में अमरजीत सिंह जी, जो फिरोजपुर पंजाब से हैं, 42 साल उनकी उम्र है, और 2015 से ये नाभि ने जबरदस्त तरीके से तंग करके रखा हुआ है, करेक्ट है सर? जिसकी वजह से उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, भूख नहीं लगती, या कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट थोड़ा सा टाइट रहता है, और नाभि अपनी जगह से ऊपर फील होती रहती है, यानी जो उसकी पल्पिटेशन है वो नाभि से ऊपर फील होती है। दोस्तों जितनी भी पेट की समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं हमारे को नाभि से ही स्टार्ट होती हैं, और इसीलिए हम हर एक वीडियो में आपको बताना चाहते हैं, हर एक वीडियो में बताते हैं कि नाभि को कभी भी हल्के में नहीं लेना, क्योंकि नाभि हमारे अपने शरीर का आधार है, हमारी अपनी बॉडी का बेस है, अगर वो जरा सा भी डिस्टर्ब होता है तो उससे हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसीलिए नाभि अगर खिसकी हुई है, नाभि अगर आपकी बहुत फ्रिक्वेंटली अपसेट हो जाती है, यानी निवल बहुत
फ्रिक्वेंटली डिस्प्लेस हो जाती है, उसको ज़रूर सेट करा लें, अच्छे से सेट करा लें, जिससे कि दोबारा से डिस्प्लेस ना हो, क्योंकि उसकी वजह से आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी हम अमरजीत जी की नाभि को सेट करेंगे, और नाभि को सेट करने के बाद उनको दोबारा से चेक कराएंगे कि क्या आपकी नाभि अपनी जगह पर आ गई है। देखिए, बड़ी बिल्कुल लूज छोड़ो, सर ये पैर सीधा, ये पैर सीधा, ये ऐसे जी, उल्टे लेटना, उल्टे, पेट उठाओ, लूज छोड़ दो बॉडी, बिल्कुल लूज छोड़ो सर, लूज छोड़ो, पैर फोल्ड करो, दोनों फोल्ड करो, मोड़ो दोनों पैर, लूज छोड़ दो, बिल्कुल लूज छोड़ो पूरी बॉडी, लूज छोड़ो, सीधे जी, हाँ जी सर, ये सैटरडे के में लिखा हुआ था, लूज छोड़ो बॉडी जी, पेट पूरा एकदम लूज, सीधे हाथ की सारी उंगलियां मिलाओ, नाभि के ऊपर रखो, बोल रही है सही बोल रही है, अब पेट को पूरा दबा के देख लो कहाँ टाइट लग रहा है आपको, पसलियों से नीचे पहुंच गया पेट, लोअर एब्डोमेन लग रहा है कि हैवी है अभी, ऐसा ही है ना, ऊपर पूरा लूज हो गया एकदम, पूरा लूज है, ठीक है, नाभि अपनी जगह पे है, ठीक है, पैर मोड़ो एक बारी, हाँ